तो गाइस आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस आपको पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग ने बालास गैंग के लीडर को पैसे दिए थे और फ्रैंकलिन को छुड़वा लिया था, क्योंकि उसने उसे किडनैप किया था और बोला था बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए हमें। तो हम लोग ने उसे पैसे दिए और फ्रैंकलिन को भी छुड़वा लिया, और अपनी लैम्बोर्गिनी CN भी हम लोग ने छुड़ा ली, और एक अपना माइकल का घर, और वो तो अभी गया। और गाइस आपको पता होगा कि बेनी ने हम लोग को बोला कि ये सब झगड़ा बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, और खुद का एक नया शोरूम क्यों ना हम लोग ओपन करते, बिजनेस स्टार्ट करते। तो मैंने सोचा बैरी ने ये बात तो सही कही है यार, तो मैंने भी उसमें ध्यान दिया और तुरंत से हम लोग ने एक शोरूम खरीद लिया कार का। वो भी हम लोग के घर के बाजू में ही था, और वो हम लोग को बहुत सस्ता मिला, $3 million का मिला सिर्फ। तो ये बहुत सस्ता तो नहीं है, पर उस हिसाब से बहुत सस्ता, क्योंकि हमारे दोस्त ने दिया है और उसका नाम है बेस्ट मैन, पता होगा आपको। तो गाइस अभी मैं फ्रैंकलिन को पिकअप करने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि वो बहुत इंजर्ड था, तो वो अभी लिबर्टी सिटी गया था उसके मेडिसिन लेने, क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ता रेट चल रहा है। तो वो अभी शिप से गया था क्योंकि रेट बहुत सस्ता है शिप का। तो अभी हम लोग उसे पिकअप करने जा रहे हैं, वो आया रहेगा। तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं वहाँ पर और अपने फ्रैंकलिन को पिकअप करते हैं। तो ओके गाइस, अभी फ्रैंकलिन भी यहाँ पर खड़ा हो चुका है कप का, वो कॉल करके मुझे परेशान कर रहा था यार बहुत। तो बैठ भाई फ्रैंकलिन, जल्दी बैठ, घर जाते हैं और देखते हैं अपने नए शोरूम का। यार हम लोग को कार्स भी लेनी है, पर एक सेकंड गाइस, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इतनी भीड़ क्यों है और हॉर्न भी बहुत बज रहा है। एक सेकंड गाइस, मैं अंदर जाके देखता हूँ। और गाइस ये क्या, मैंने क्या देखा गाइस, ये तो एक लैम्बोर्गिनी SVJ 63 है, वो भी एनिवर्सरी एडिशन। और भाई ये बंदा यहाँ पे गाड़ी लगा के गया, मतलब मुझे लग रहा है ये अंदर गया और अभी थोड़ी देर में बाहर आ सकता है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी बहुत देर वेट करने के बाद अभी एक बंदा यहाँ पे भाग के आ रहा है, और भाई ये गाड़ी इसकी है। ओ भाई, ये इतना गरीब सस्ता सा बंदा और इसके पास SVJ 63, और वो भी लैम्बोर्गिनी एनिवर्सरी एडिशन। भाई एक सेकेंड, मैं तो अभी इसको फॉलो करने वाला हूँ उसके पीछे पीछे छुप के। तो भाई अभी इसको फॉलो करते हैं हम लोग छुप छुप के, इसको पता नहीं चलना चाहिए यार हम लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस अभी मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ और देखते हैं भाई ये गाड़ी इसकी है कि नहीं है। तो गाइस जैसे ये चला रहा है, मुझे लग रहा है ये गाड़ी इसकी है, क्योंकि ऐसी लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक लैम्बोर्गिनी का ड्राइवर ही चला सकता है। और भाई ये गाड़ी इसकी है पक्का, मुझे अभी कन्फर्म पता चल गया। तो भाई जल्दी से इसके हम लोग पीछे चलते हैं और छुप के पीछा करेंगे, यार इसको पता नहीं चलना चाहिए। तो भाई ये बहुत तेज़ भगा रहा है यार, इधर ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ रहा है। तो भाई हम लोग पीछे चलते हैं इसके जल्दी से। और गाइस हम लोग को गाड़ियाँ चाहिए, तो मैं क्यों ना सोच रहा हूँ यार इसकी गाड़ी चुरा लूँ, पर रात में चुरा लूँ, क्योंकि हमारा अगर फेस रिवील हो गया तो लोग यार बोलेंगे कि ये चोरी करी हुई गाड़ी बेच रहे हैं, और लोग कोई आएंगे नहीं हम लोग के शोरूम में। तो मैं सोच रहा हूँ रात को आके इसकी गाड़ी ये चुरा लेंगे हम लोग, और हम लोग का फेस भी रिवील नहीं होएगा। और गाइस इसको पता चल गया क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं? ओ भाई भाई भाई, मैं तो साइड में जा रहा हूँ भाई। नहीं गाइस नहीं, ये धीरे चला रहे, बहुत चालाक बंदा है गाइस। और ये नहीं गाइस, पता नहीं चला इसको। तो गाइस अभी जल्दी से इसके पीछे जाते हैं, यार थोड़ी स्पीड मुझे बढ़ानी होगी, बहुत चालाक बंदा है, बीच में स्पीड लेता है, देखा गाइस। और गाइस ये राइट में गया। ओके गाइस अभी ये रुक गया, मुझे लग रहा है इसने देख लिया हम लोग को, शक हो गया। ओ भाई इसने यूटर्न ले लिया। नहीं 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 गाइस, ये तो ये घर के अंदर जा रहा है, ये विला के अंदर, देखो गाइस। ओ भाई ये विला तो हम लोग के घर के बहुत पास है, और यहाँ पे एक SVJ वाला बंदा है और मुझे कैसे नहीं पता। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे वेट करते गाइस। तो गाइस अभी माल ठंडा हो चुका है, और अभी हम लोग जाके देखते कि वहाँ पे कौन सी कार है, या फिर वो एक ही कार है यार। तो गाइस ए भाई नैनो निकल यहाँ पे, नहीं तो फोड़ दूंगा इधर ही। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उसी गेट से, और गाइस ये गेट है। और भाई एक सही बात है यार, यहाँ पे कैमरे भी नहीं है, और भाई टच सेंसर वाले गेट। भाई इतने बड़े विला में सिक्योरिटी नहीं है भाई ये बंदे के पास, और भाई बॉडी गार्ड भी नहीं है, ये क्या देख रहा हूँ मैं। इतना बड़ा विला, सिक्योरिटी नहीं, बॉडी गार्ड नहीं, सही बात है यार गाइस। तो गाइस अभी हम लोग अंदर चलते हैं, और भाई इसने देख लिया, ये देख नहीं देखा इसने, ये देखने से पहले हम लोग कट लेते हैं यहाँ से गाइस। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, और गाइस आप लोग राइट में देख सकते हो, भाई हो भाई एक बंदा खड़ा है उधर से, जल्दी से निकलते हैं गाइस हम लोग।
तो गाइस ये टच सेंसर वाले गेट भी यार हम लोग को दिक्कत दे देंगे, एक दिन बहुत स्लो खुलते हैं। तो गाइस अभी मैं सीधा भगाते अपने घर पे चलता हूँ और हम लोग प्लान बनाते हैं गाइस। तो ओके गाइस अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और गाइस अभी हम लोग प्लान बनाएंगे और यहाँ पे मैं अपनी कार पार्क कर लेता हूँ और गाइस हम लोग अभी रात होने का वेट करेंगे, फिर जाएंगे और सीधा उसकी गाड़ियाँ चोरी करके लाएंगे। भाई क्या गाड़ियाँ थी यार उसकी गाइस, सही थी एकदम। तो ओके गाइस अभी फ़िलहाल रात हो चुकी है, बहुत अंधेरा हो चुका है, 10 बज चुके हैं, रात के 10 या 10:15 बज चुके हैं। आपको इतना अंधेरा तो नहीं लग रहा होगा पर गाइस लॉस सैंटोस का वेदर ऐसा ही है, मैं भी आपको कुछ नहीं बोल सकता यार। तो अभी लेस्टर के फ्रेंड को उसने कॉल किया था और बोला था एक भाई ट्रेलर छोड़ दो माइकल के घर के पास। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं उसी का ट्रेलर आने का और फिलहाल हम लोग वेट करते हैं। तो ओके गाइस अभी ट्रेलर आ चुका है, उसका दोस्त ला चुका है। ओ भाई डाल देगा क्या मेरे पे? तो गाइस अभी ये ट्रेलर लेके चलते हैं हम लोग सीधा उसके घर पे और सारी गाड़ियाँ चोरी करते हैं चुपचाप से। गाइस अभी ये ट्रेलर मैं उठा लिया और अंकल जी बैठ गए यार बाजू में, नाराज़ हो गए वो मांग रहे थे पैसे। तो मैंने बोला भाई पैसे किस बात के, लेस्टर ने भेजा आपको? तो फिर वो नाराज़ हो के बैठ गए बाजू में यार। तो गाइस अबे स्पोर्ट्स कार लेके बहुत बड़ी बड़ा ही मार रहा है क्या, इससे तेज चलाऊंगा भाई मैं। देखो गाइस इसको भी, स्पोर्ट्स कार वाले को भी पीछे छोड़ दिया मैंने भाई। ड्राइविंग हो तो ऐसी, इतना हेवी ट्रेलर है फिर भी मैं इतना फास्ट चला रहा हूँ गाइस, आप मेरे से सीखो गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा उसके विला के पास और गाइस आ चुका है इसका ये विला, पूरा लाइट से सजा हुआ है रात को। और भाई गाइस एक सेकेंड, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इनके सामने तो मैं गाड़ी नहीं चोरी कर सकता, तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, ये सब लोग को मारना पड़ेगा गाइस। अब दूसरा तरीका तो है नहीं, ये लोग को मार के ही मुझे सारी गाड़ियाँ लेनी पड़ेगी। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके गेट के पास, ये गेट तो हम लोग सुबह आए थे वही गेट है। तो गाइस अभी चुपचाप से हम लोग निकलते हैं और सीधा इसके वॉल के ऊपर चढ़ते हैं, ये ट्रक के ऊपर चढ़ने के बाद। तो गाइस अभी हम लोग चढ़ चुके हैं और गाइस मैंने अपनी सप्रेस्ड वाली AR राइफल भी निकाल ली है, AKM वो भी सप्रेस वाली। और ये ले भाई, कस के इसको मार दिया हम लोग अपने सर पे और गाइस सबको हम लोग स्प्रे दे रहे हैं मस्त तबाही वाला और सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। और गाइस अभी चलते हैं और सबको मारते हैं गाइस, और इसको भी हेडशॉट दे दिया भाई, सब मरेंगे आज, कोई नहीं बचेगा। ये क्यों आए तुम लोग पार्टी करने तक, तुम लोग को नहीं पता मैं आने वाला हूँ भाई, लॉस सैंटोस का किंग हूँ मैं। गाइस हेल्प तो ये लोग को कोई नहीं करने वाला है, सब मरने वाले हैं आज। तो गाइस यहाँ पे भी है, ये लोग भी भाग रहे हैं गाइस, इनको भी जल्दी से मारते हैं। और गाइस केव के पास भी लोग हैं, इनको भी मारते हैं। तो गाइस जल्दी से ये लोग को मैं निपटा लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ गाइस। और ये ले भाई, तुम लोग बैठे ऐश कर रहे हो, ये लोग सब मरो भाई, सब मरेंगे गाइस आज, सब मरेंगे। तो गाइस अभी सबको मार दिया है मैंने और अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को गाड़ियाँ मिलेगी। और गाइस आप लोग देख सकते हो अपने राइट में सारी गाड़ियाँ हैं, मैं अपनी गन अंदर डाल लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे गाड़ियाँ देख सकते हो, बुगाटी डीवो ब्लैक और येलो एडिशन। और गाइस ये कौन सी गाड़ी है कमेंट में बताओ जल्दी से। और ये SVJ 63 है एनिवर्सरी एडिशन और ये लास्ट फरारी है रेड कलर की मैट ब्लैक। गाइस ये कार मुझे बहुत तगड़ी लगती है गाइस। और इसका रेट पता है, आवाज़ सुनो गाइस इसका सिर्फ आप। और गाइस इसका रेट पता है आपको क्या है, इसका रेट कम से कम $8 मिलियन रह सकता है। तो गाइस यार ये टच सेंसर वाले गेट दिक्कत देते हैं, नई नई गाड़ी को तोड़ दो। तो गाइस जल्दी से हम लोग, ये अपनी लास्ट फरारी अभी अपनी हो चुकी है इसलिए मैं अपनी बोल रहा हूँ। तो ये जल्दी से हम लोग अपने ट्रेलर में लोड करते हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपको। तो ओके गाइस अभी सारी गाड़ियाँ मैंने लोड कर चुकी है ट्रेलर में, कर चुका हूँ मैं ट्रेलर में लोड। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं माइकल के घर पे, घर पे नहीं यार, घर पे कैसे जा रहे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं माइकल के शोरूम में नए वाले जो अपने घर के बाजू में ही है। तो गाइस मैं इन सारी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचने वाला हूँ। और गाइस आपको पता होगा कि ये सारी गाड़ी हम लोग को फ्री मिली है और हम लोग अभी बहुत पैसा लेंगे। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये पैसा कमा के मैं एक शोरूम लूँ या फिर मैं कार्स बाय करूँ। गाइस कमेंट्स में बताना आप ज़रूर से। और गाइस ये सारी कार्स टॉप लग्जरी सुपर कार्स हैं जो लॉस सैंटोस में बहुत ज़्यादा रेयर हैं। और गाइस अगर ये मेरे शोरूम में आ जाए
तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है यार अपनी पूरी लाइफ सेट। तो भाई अभी आगे से लेफ्ट कर लेना है और आप लोग मेरा घर देख सकते हो लेफ्ट में, तो यहाँ से लेफ्ट कर लेना है। और गाइस यहाँ पे मोड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है यार ट्रक को, बहुत बड़ा ट्रेलर है। तो गाइस आगे से और एक लेफ्ट कट लेना है और आप लोग देख सकते हो मेरा शोरूम लेफ्ट में ऊपर। तो गाइस अभी यहाँ से लेफ्ट कट लेता हूँ मैं, और भाई कार वाले साइड हो जाए कौन से नशे करके बैठे हैं। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं अपने शोरूम में, अभी मैं अपनी सारी गाड़ियाँ लोड करता हूँ अपने शोरूम में, तब तक आप लोग देखते रहो। तो ओके गाइस हम लोग ने सारी गाड़ियाँ लोड कर चुके हैं शोरूम में, और गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। गाइस ये कौन सी कार है गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ, और ये कार सही लग रही है, कौन सी है पता नहीं पर एकदम सही लग रही है। और गाइस ये ला फरारी है। तो गाइस मैंने अभी सबके प्राइस तो अपलोड नहीं किए, सबके परफॉर्मेंस अपलोड किया है। और गाइस ये SVJ63 और ये लैम्बोर्गिनी सेंटोरो और ये बुगाटी डीवो गाइस। तो ओके गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit.